इस अबॉर्शन के बाद पायल शुक्ला कभी माँ नहीं बन पाएंगी फिर से। एनीवेज लेट्स गो फॉर द ऑपरेशन। दीदी दीदी रुकिए, ये आप क्या करने जा रही है? ये बहुत गलत है, ऐसा मत कीजिए। तुम कौन होती हो हमें नसीहत देने वाली? छोड़ो हमें, गवार कहीं की। निधि हमारी बात सुनो, हम तुम्हारी सारी शर्तें मान लेंगे, जो कुछ बोलोगे वो कर लेंगे, बस निधि इस बच्चे को मत मारो। अरे बाप रे बाप, यहाँ कोई लुक्का छुपी चल रहा है जी, कि एकदम धप्पा कर दिए आके, अब तो डरा के एकदम जान निकाल लीजिएगा। इसे डराना नहीं जगाना कहते हैं। अरे तो आप भूल गए हैं क्या कि पायल माँ बनने वाली है? ऐसे अचानक से चौंका देने से बच्चे पे बुरा असर पड़ता है। पर पायल तो गाड़ी में है ही नहीं। क्या? और क्या, पायल नहीं है? अरे तो कहाँ गई पायल? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। इसे कहते हैं पलक झपकते ही गायब हो जाना। पायल की वजह से इंदुगिरी नदी के अंदर बिंदिया ने बचाई इंदू की जान। तो भाई हमने देखा किस तरीके से सुहागन के एपिसोड में जो पायल है ना, वो किसी भी तरह बिंदिया को अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहती है, और यहाँ पर बिंदिया ने व्रत रखा हुआ है, यहाँ पर छठ माता की पूजा चल रही है और सारे लोग नदी के पास आते हैं और पूजा करते हैं। हमने देखा था ना कि भाई किस तरीके से बिंदिया ने व्रत रखा था और सब घर वालों को बुलाया था, वहां पर उसकी इंसल्ट की गई थी, वहां पर सब लोग पूजा में नहीं आए थे, और कृष के पापा का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके लग जाती है, जिसके बाद उन सबको लगता है कि हमने शायद कोई गलती की है, और सब लोग फिर बिंदिया के साथ आ जाते हैं पूजा में शामिल होने के लिए, और सब बिंदिया के साथ पूजा करते हैं। यहाँ पर क्रिश भी बिंदिया के साथ पूजा कर रहा है, जिसे देखकर ना पायल को बहुत गुस्सा आ रहा है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो निधि है वो अपने बच्चे को नहीं चाहती है, और यहाँ पर डॉक्टर से अबॉर्शन के लिए बात करती है। और फिर हम देखेंगे भाई सब लोग पूजा में चले गए, यहाँ पर निधि नहीं पूजा में आई है, और उसका जो हस्बैंड है वो भी उसका पीछा कर रहा है और पता लगाता है कि कौन से हॉस्पिटल में निधि गई है और क्या वो सच में अबॉर्शन करा लेगी। और फिर हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो पायल है ना उसको बहुत गुस्सा रहा है बिंदिया और क्रिश को एक साथ पूजा में देखते हुए, और क्योंकि भाई क्रिश यहां पर बिंदिया के साथ पूजा कर रहा है, बिल्कुल ऐसे कर रहा है जैसे वो सच में पति पत्नी है, और बिंदिया कहीं ना कहीं उसको बहुत अच्छा लग रहा है, उसको लग रहा है कि भाई मैंने जो व्रत किया था वो मेरा सफल हुआ। पिछले एपिसोड्स में ये भी देखा था कि पायल ने किस तरीके से बिंदिया को धक्का दे दिया, उसे लगा था कि शायद अब बिंदिया गिर जाएगी नदी के अंदर, अब उसको हॉस्पिटल लिया जाएगा, और हॉस्पिटल जैसे ही लेके जाएंगे तो वहां पर उसकी जो प्रेगनेंसी का सच है वो सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहां पर बिंदिया के हाथ में थोड़ी लगती भी है लेकिन वो ठीक हो जाती, थोड़ा उसका हाथ जलता है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि भाई अब पायल बड़ी चाल चलती है, पायल गिरा देती है तेल और सीढ़ियों के पास, और यहां पर उसे लगता है कि बिंदिया जैसे ही तेल पर पैर रखेगी उसका पैर फिसल जाएगा और वो नदी के अंदर गिर जाएगी। और यहां पर तो भाई कुछ उल्टा ही होता है, यहां पर बिंदिया नहीं, यहां पर इंदु आ जाती है, सीढ़ी पर चल रही होती है और एकदम उसका पैर फिसल जाता है, तेल के ऊपर वो पैर रख देती है और वो नदी में गिर जाती है और चिल्लाती है बचाओ बचाओ, और इतने में भाई सारे लोग शॉक हो जाते हैं और बिंदिया भागती भागती जाती है नदी के अंदर, कूदती और उसको बाहर निकाल देती है। और हम देखेंगे भी एपिसोड में कि किस तरीके से बिंदिया ने अपनी जान पर खेलकर इंदु की जान बचाई है, और यहां पर इंदु को हम हॉस्पिटल में देख रहे हैं और हॉस्पिटल में सारे लोग हैं लेकिन बिंदिया यहां से गायब है, जिसे देखकर ना क्रिश को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कहती है बिंदिया कहां चली गई, सारे लोग यहां पर हैं और बिंदिया ने तो अपना व्रत भी नहीं तोड़ा है, तो उसको कहीं ना उसकी चिंता होने लगती है। तो अब देखते हैं कि बिंदिया कहां होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि बिंदिया मिलेगी निधि के पास, क्योंकि निधि भी उस सेम हॉस्पिटल में आई है अबॉर्शन के लिए, और क्या भाई बिंदिया रोक पाएगी निधि का अबॉर्शन।